नमस्कार दोस्तों, रोजगार से इंडिया के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो कि रीट 2021 का आपने जो कि फॉरम भरा था उसमें आप चाहते हैं कि इसमें करेक्शन, आपने कोई गलती मिस्टेक हो गई हो आपसे, जैसे कि मान लीजिए आपने फोटो गलत लगा दिया हो या साइन आपका जो कि नीले पेन से लगा दिया हो जो कि आपको ब्लैक पेन से लगाना था, ये जब भी आपकी गलतियाँ या कोई एड्रेस में गलत हो या आपकी कोई भी नाम है, पापा के नाम है, मदर के नेम में अगर कोई भी गलतियाँ हो, आधार नंबर में आपने गलत डाल दिया हो या आपका एड्रेस गलत डाल दिया हो या आपने सेंटर चेंज करना चाहते हैं, या साथ ही साथ अगर चाहते हैं कि आप उसमें अभी जो भी आपका जो कि सब्जेक्ट है वो भी चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले हमें गूगल पर जाना है, और गूगल पर जाना है और टाइप करना है रीट। जैसे ही आप रीट 2021 आपको यहाँ टाइप करना है, .com आपको टाइप करना है और एंटर पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा रेट 2021, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रेट राजस्थान अजमेर, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इसमें जो कि आपको तीसरा ऑप्शन जो कि एक्टिव हो चुका है, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीट 2021, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें अपनी जनरल डिटेल डालनी है, जैसे चालान नंबर वो डालना है जो कि आपने पहले पुराना चालान नंबर आपने जो डाला था वो डालना है उसमें, और आपका नाम जो कि आपने पहले जो कि पेमेंट की थी जो कि 550 की, उस वाला चालान नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपके कैंडिडेट का नेम आपको डालना है, उसके बाद आपको अपने फादर का नेम और अपनी मदर का नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिटेल डालने के बाद आपको इसमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उसके आप जो कि मेल आईडी होगी, उस पर एक OTP चल जाएगा जो कि मेल जो कि इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको स्पैम में एक फोल्डर होता है, इसमें मेल आईडी में, उसमें आपको यहाँ से मिल जाएगा, उसको आपको OTP को लेना है और यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद OTP डालने के बाद आपके सामने पूरा फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस करेक्शन में मैंने फोटो जो कि हस्ताक्षर था जो कि मैंने नीले पेन से लगा दिया था, तो वहाँ पे आप अपडेट कर देना है, ब्लैक पेन से आपको लगा देना, क्योंकि गाइडलाइन में लिखा हुआ था कि आपको ब्लैक पेन का लगाना है। उसके बाद और भी सारे फोटो चीज़ें आपको मिल जाती है, जो भी जैसे आपका नाम, आपका मदर का नाम, फादर का नाम, जो भी आपका आधार नंबर जो भी है, आपको इसमें सब कुछ जो भी चीज़ें हैं आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, जो भी आप करेक्शन करना चाहते हैं, जो कि आप उसमें करेक्शन करने के बाद आपको नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं करेक्शन करके बता देता हूँ, जैसे कि आपको फाइल यहाँ पे छूज वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना है जहाँ भी आपकी है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ, जैसे यहाँ सिग्नेचर मेरे को ये वाला लगाना है, इस पर जाके मैं ओपन पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है फोटो जो कि आपका अपलोड होकर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि सिग्नेचर आपने जो अपलोड किया है। पर आपको ध्यान में रखना है जो कि आपका जो कि OTP आपका जा रहा है मोबाइल पे, वो आपके जो कि है कि स्पम में ज़्यादातर जा रहा है, स्पम आप जरूर चेक करिए, क्योंकि आपको OTP वहीं मिलेगा। मेल आईडी और मोबाइल पे दिक्कत आ रही है तो मेल आईडी के अंदर स्पम मेल में आप जरूर चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे जो कि आपको करने के बाद आपको नीचे मिल जाएगा, आपको एक प्रोसीजर वाला बटन मिल जाता है, उस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर वेरीफाई इन्फॉर्मेशन या एग्री विथ, इस पर ओके पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और फिर से वेरीफाई नीचे आ जाएगा, उसे फिर से वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इन्हें जो चीज़ अपडेट करी है वो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, और इसका आप यहाँ से क्लिक करके आप इस पर प्रिंट नीचे ऑप्शन मिलेगा, उसे प्रिंट करके आप इसमें यहाँ प्रिंट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ चाहते हैं तो PDF में आप यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप प्रिंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप रीट में किस तरह से आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।